जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आज भी हम छात्रों को यहाँ पे टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली है। हमको ये जो हमने त्रिपाल बिछाई है इसको उठाने भी पुलिस आ गई थी, और इनने ये मना कर दिया कि आप लोग यहाँ नहीं करेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी गलत चीज़ के खिलाफ, अपने अन्याय के खिलाफ यहाँ पे हम प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर फिर भी हमको हमारे हितों के खिलाफ, हमको हमारे राइट्स नहीं लेने दिए जा रहे हैं। और जो कि हम प्रदर्शन, एक भी हमारी मांग कोई गलत नहीं है, यहाँ तक कि जो पहली सबसे मुख्य मांग है हमारी, प्लेसमेंट सेल को लेके, क्या किसी बच्चे का अधिकार नहीं है जो इतने साल इतनी पढ़ाई करके 12वीं तक अच्छी परसेंटेज ला के कॉलेज में एडमिशन लेता है, यहाँ की कट ऑफ भी कोई कम नहीं है, 90, 91, 92, 93% कट ऑफ जाती है, फिर भी वो जब तीसरे साल में निकलता है तो वो कोई जॉब और किसी भी स्किल लेके नहीं निकलता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी सी शिक्षा तो मिले, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो, और साथ में जब वो आखिरी अपने वर्ष में हो तो उसे जॉब मिल जाए जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। धन्यवाद। नहीं, हमारे को कोई वार्ता का इनने ना सूचना दी, ना हमको कोई ऐसा आश्वासन दिए कि हम आपके साथ हैं, बल्कि इन लोगों ने हमारे ऊपर प्रताड़नाएं करी हैं। जैसा कि आप कल देख सकते हैं, कल के दिवस में हमने जब टेंट लगाया तो टेंट वाले का सामान ले लिया और उसका सामान जब्त कर लिया, उसका व्हीकल भी जब्त कर लिया। अब वो बेचारा गरीब आदमी, वो तो यही सोचेगा कि इनके उसमें आया तो ना तो मैं इनका कोई काम करूँगा ना कुछ करूँगा। हमारी भी बदनामी हुई, साथ साथ यूनिवर्सिटी की बदनामी है कि यहाँ पर ना तो कोई नियम है ना कोई कायदे कानून है, और हम सिर्फ आराम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी ये लोग, यूनिवर्सिटी वाला प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हमारे को और प्रताड़ना है। अभी यहाँ पे एक बच्चा था, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, हमने उसको ग्लूकोज और घर भेजा है कि तू भाई हम तेरे लिए लड़े। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें से 2 पूरी करी है, लेकिन वो पूरी पूर्णतः से पूरी नहीं करी गई है। एक तो ई रिक्शा वाली, जिसमें ई रिक्शा थे इनके पास, वो एक चल रहा है, वो भी हमें नहीं दिख रहा है कहाँ चल रहा है। वाटर कूलर वाली, हालांकि काफ़ी हद तक वाटर कूलर वाली तो मांग पूरी हो गई है, बाकी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक ये मांगे नहीं मांगेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ तो उसमें हमारी 20 दिन क्लासें लगाई गई। उसके बाद में विधानसभा चुनाव आ गए, पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स में ये बोला गया कि आपकी वहाँ क्लासें लगी के बाद कोई एक दिन भी क्लास नहीं लगी, और उसके बाद में 80% बच्चों को फेल कर दिया गया जिनके बैग आ गई। उन बच्चों के रिबेल के पैसे कहाँ से देंगे वो बच्चे? कोई मजदूर का बेटा आता है, हम किसान परिवार से थे, हम 24 घंटे में से 6 घंटे तो अपने माता पिता का कार्य बैठाते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं, उसके बाद में सरकारी कॉलेज में नंबर लाने के बाद में हमारे साथ ये किया जाता है, ये ऐसा बर्ताव किया जाता है छात्रों के साथ, प्रशासन द्वारा दबाया जाता है। और जब सेकंड सेमेस्टर की बात हुई तो ये भैया ने बताया कि 10 ही दिन मात्र क्लासें लगी है, उसके बाद में आज 60 दिन हो गए, दोबारा कॉमर्स कॉलेज खाली होने वाली है चुनाव आयोग से, पर आज तक पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स में एक दिन की क्लास नहीं लगी। और हम डेली कॉलेज आके जाते तो प्रिंसिपल ये बोलते थे हम क्या करें बेटे, हमारे पास जगह नहीं है, वो कह रहे। तो आपका या तो आप अपनी पोजीशन अच्छी बना लो, आपके बच्चे अच्छे बन जाएंगे, आपको अगर बच्चे अच्छे चाहिए तो आपकी क्वालिटी बढ़ा लो बच्चे, हम अगर आप फटाके हमको फेल कर रहे हो तो हम घर पर चल जाएंगे जिस दिन फेल हो जाएंगे।